हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप कि सब अच्छे से होंगे, हैप्पी होंगे। और आज है 22 दिसंबर, तो आज कुछ स्पेशल है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वो आपको व्लॉग में पता चल ही जाएगा कि क्या स्पेशल है। तो अभी मुझे घर का काम करना है फिनिश, उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना और फिर रेडी हो जाऊँगी, और उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से। और बच्चे हैं जो वो घर पे ही रहेंगे, उनको हम नहीं लेके जा रहे किसी रीज़न से। तो आप आगे देखिए वीडियो में कैसा लगता है आपको, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को अब भी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक छोटी सी खुशखबरी मैं आप लोगों के साथ और शेयर कर रही हूँ कि 1-2 दिन से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ से मोटिवेशन भी मिल रहा है कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो बस मैं यही ट्राई करती हूँ कि मैं आप तक अच्छी वीडियो लेके आऊँ। और थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ वीडियो पोस्ट करने में, क्योंकि जैसे ही मुझे टाइम मिलता है उसी हिसाब से मैं वीडियो की एडिटिंग करके आप तक वो पोस्ट करती हूँ। तो बस मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल के आप लोगों से वीडियो शेयर करूँ। तो आप ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहिए। तो आज सुबह ही मैंने जो लंच रेडी करके रख लिया, क्योंकि मुझे पता है कि आज पूरा दिन बाहर ही लगने वाला है हमें। तो मैंने आलू मटर गाजर की जो सब्ज़ी बनाई है, और साथ में मीठे के लिए थोड़ी सी खीर बनाई है, और चपाती सेक रही हूँ। चपाती में मैंने गेहूं और जो बाजरा है वो मैंने मिक्स करके बनाया, ताकि बाजरे की रोटी तो ठंडी अच्छी नहीं लगेगी, तो पीछे से बच्चे भी आराम से इसको खा सके। तो मैंने मिक्स करके इसको बना लिया। अब हम कैब से हस्बैंड ने कैब बुक की है, तो हम जा रहे हैं जो जहाँ से हमें हमने गाड़ी डिलीवरी लेनी है, तो हम उस जगह पे जाएंगे। तो मैं, हस्बैंड और मदर इन लॉ हम पीछे बैठे हैं और आगे पापा बैठे हैं। तो हम कैब से ही जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी गाड़ी है वो फ्राइडे को ही उन्होंने, जहाँ से हम डिलीवरी लेने जा रहे हैं गाड़ी की, तो उन्हें ही हमने सेल की है, तो वहाँ पे है हमारी गाड़ी, तो हमने फ्राइडे को ही वहाँ दे दी थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है जो हमारी पुरानी वाली गाड़ी है, बहुत ही इसको हम मिस कर रहे हैं अब, क्योंकि बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं इस गाड़ी से। तो उस टाइम पूछी भी बहुत छोटा था जब हमने ली थी, तो बस वही सारी यादें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। और पता नहीं क्यों जब दी थी तो हमें बहुत दुख भी हो रहा था कि देखो ऐसे, मतलब बाद में लगता ही है ना। अभी हम अंदर बैठे हैं तो अंदर से ही हमें जो ग्लास मशीन दिख रही है, तो ये वाली हमारी गाड़ी है जो अभी रेडी नहीं हुई है, तो हम उसको अंदर से ही देख के बहुत खुश हो रहे हैं कि देखो ये हमारी गाड़ी है। तो वहाँ पे मैनेजर ने हमें जो उसके साथ आने वाले ये कुछ सामान दिए, जो मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रही थी इसके, इसको खोल के देखूँ इसमें क्या क्या है। तो वैसे तो मुझे पता है कि इसमें वो गणेश जी की जो मूर्ति आती है, और साथ में इसमें पूजा का ही सामान आता है, पर फिर भी पता नहीं क्यों खोल के देखने के लिए बहुत मन हो रहा था। मैंने खोला इसको और इसमें प्यारे से छोटे से गणेश जी हैं, और साथ में ही पूजा का कुछ सामान है इसमें। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा फ़ोटो वोटो खिंचवाने लग गए, और हस्बैंड वो जो पेपर वर्क में लग रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम यहाँ पे थोड़ी फ़ोटो वोटो खींच ले। तो वो जो कागज़ की फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती हैं, जो कागज़ वगैरह बनवाने की, तो उसमें लगे हुए थे।
तो फाइनली हम 3 बजे के करीब यहाँ से चल दिए। तो हमें सबसे पहले जाना था यहाँ से मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर, क्योंकि हमें वहाँ पे गाड़ी को पुजवाना था, तो हम वहाँ के लिए चल दिए हैं। तो हम पहुँच गए हैं मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर, तो चलिए आपको मैं लेके चलती हूँ अंदर और आपको भी दर्शन करवाती हूँ। तो पहले हम जाएंगे अंदर दर्शन करने, उसके बाद है जो पंडित जी वहाँ पे गाड़ी की पूजा करेंगे, तो फिर बाद में हमें गाड़ी पुजवानी है। और वेडनेसडे को तो यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, पर आज यहाँ पे भीड़ नहीं है इतनी, कोई खास भीड़ नहीं है। हमें आराम से बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन हो गए। और मे भी ये कोविड के चलते यहाँ पे कम आ रहे हैं जो भी भक्त हैं, नहीं तो अदरवाइज़ यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है वेडनेसडे को। तो मंदिर में बहुत ज़्यादा शांति थी और बहुत सुकून मिला हमें दर्शन के बाद। तो अब यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं कि पंडित जी आए, और हस्बैंड गए हुए हैं पंडित जी को लेने, तो फिर हम क्या गाड़ी की पूजा करेंगे। तो वहाँ शेड के नीचे जो भी गाड़ियाँ खड़ी हैं वो सब पूजा के लिए ही आई हुई हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे और गाड़ियाँ भी हैं, ये देखो यहाँ पे ये सब गाड़ियाँ जो खड़ी हैं ये पूजा के लिए करवाने के लिए ही आई हैं यहाँ पे। तो हम भी वेट कर रहे हैं यहाँ पे कि हस्बैंड आएंगे। वो दूसरी तरफ से रोड में घुमा के लाना था गाड़ी को, तो इसलिए वो उधर से लेके आ रहे हैं। Thank you.
नारायण अगरबत्ती मम्मी अब वहीं दे तो पूजा जो है वो कंप्लीट हो गई है, तो अब हमें जाना है घर की तरफ। अब हम घर जाएंगे क्योंकि यहाँ पे लगभग 4 बज गए हैं, हमें बहुत घंटे हो गए हैं सुबह से। तो इसी के साथ ही मैं जो आज का व्लॉग है वो यहाँ पे ही ख़त्म करती हूँ। होप कि ये आप सबको बहुत पसंद आएगा, और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वीडियो को शेयर करें, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाती रहूं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।